आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिग बॉस के अड्डे पे। सबसे पहले तो मैं आप सबको विश करूंगी मैरी क्रिसमस। और आज हम बात करेंगे बिग बॉस में हुई सबसे बड़े इविक्शन की। जी हाँ, इस बार निकली हैं अर्शी खान, जिनका निकलना कहीं तय भी नहीं था और हर कोई उनके निकलने से शॉक्ड है। तो सबसे पहले हम पूछेंगे प्रशांत से कि अर्शी के निकलने से आपको क्या लगता है, मतलब जो वो निकली है वो सही था या आपको कैसा लगा, बताइए। अर्शी के निकलने से ना ही सिर्फ मैं बाकी सभी लोग काफी शॉक्ड हैं, क्योंकि अर्शी का निकलना इतनी जल्दी बिल्कुल भी कहीं से सही नहीं लगता है। हर कोई कह रहा था कि वो टॉप 5 में तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन वो इतनी जल्दी निकल गईं। कहा जा रहा है, बाहर खबरें भी काफी आ रही हैं कि उनके कुछ लीगल इशू चल रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें शायद शो से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये वाकई में काफी शॉकिंग है, क्योंकि जिस तरीके से वो एंटरटेनमेंट दे रही थी वो उन्हें रहना चाहिए था। भले ही उनकी जबान थोड़ी सी जहरीली टाइप हो, लेकिन उन्होंने एंटरटेन सबको बहुत करा है। तो कविता, आप क्या कहेंगी, जो अर्शी निकली है उससे आप खुश हैं या आप शॉक्ड हुई हैं? देखिए, अर्शी का निकलना मेरे लिए तो कोई शॉकिंग था नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ऑनलाइन वोटिंग में आवाम, वैसे तो अर्शी बोलती रहती कि आवाम देख रही है, आवाम मेरा साथ देंगी, और मुझे लगता है आवाम ने उनका साथ नहीं दिया। ऑनलाइन वोटिंग में वो पहले ही निकल गई राउंड में। और फिर दूसरी बात है कि अर्शी जिस तरह गेम खेल रही थी, उनका गेम भी उतना इंटरेस्टिंग आवाम को लग नहीं रहा था, जिसकी वजह से उन्हें आउट कर दिया गया। फिर कई चीज़ें हैं, उनकी ज़ुबानी जंग, हाँ, वो शायद लोगों को पसंद ना आया हो, क्योंकि देखिए बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे एक बच्चे से लेके ना बड़ा पूरी फैमिली भी देखती है, आज के युवा पीढ़ी भी देखती है। तो अर्शी जिस तरह से बोलती थी, उनका जो एक बिहेवियर था, फिर उनकी जो चालें होती थी, तो शायद वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा और शायद इसी वजह से वो आउट हुई हैं। और जैसा मुझे पता है कि अर्शी पहली बार नॉमिनेट हुई थी और पहली बार नॉमिनेशन में वो निकल गई। तो दर्शिका, आप बताइए कि अर्शी के निकलने से आपको क्या लगता है, मतलब ये मुझे थोड़ा शॉकिंग तो लगा कि अर्शी एकदम से निकल गई, और लेकिन थोड़ा घर में एंटरटेन तो बहुत करती थी लोगों को, पर उनकी जुबान बहुत खराब थी। मतलब आपको भी पसंद थी अर्शी? थोड़ी अच्छी लगती थी पर बहुत गंदा बोलती थी। वो जब मुंह खोलती थी ना, तो जब लड़ाई हो किसी से, तो इतना गंदा बोल देती थी कि उन्हें खुद अंदाजा नहीं होता था। उसके बाद जाके सॉरी बोल देती थी, तो पहले किसी को इतना बुरा बोल दो फिर बाद में सॉरी बोलो, तो हर किसी को ये चीज पसंद नहीं आती। लेकिन सही है ना, सॉरी बोलना भी अपने में बड़ी बात है। वो सॉरी वो ठीक है कि वो बोलती है, लेकिन वो इतना गंदा बोल देती कि हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उस चीज को। पूजा, आप क्या कहना चाहेंगी अर्शी के निकलने से? वैसे तो ये काफी शॉकिंग था एविक्शन, लेकिन एक बात थी ना कि वहां पर उन्होंने भी जाते जाते एक बात बोली थी कि बिग बॉस का घर ऐसा है कि हाथापाई नहीं कर सकते, मुंह जुबानी ही चल सकती है वहां पर। तो वही चीज हुई, अगर वो कर भी रही है वही अपने मुंह से ही, मतलब जुबान से ही अपने वो निकाल से किसी को भड़ास निकाल सकती है। वो उनका तरीका था बिग बॉस में खेलने का। मगर उनका इविक्शन बहुत, मतलब इस हफ्ते थी खबरें कि पुनीश निकलेंगे, मगर जब मैंने देखा कि अर्शी निकल गई वो काफी, मतलब शॉकिंग था। मगर खबरें ये भी है कि उनके लीगल इश्यू थे, उनके शायद कोई डेट्स वगैरह थी, मतलब उनको मतलब कोर्ट में हाजिर होना था, शायद इस वजह से उनको निकाल दिया गया। तो इस हिसाब से तो मतलब बिग बॉस का अगर पैटर्न देखा जाए तो मुझे ये सही भी नहीं लगा कि अगर था कि वोटिंग्स के जरिए ही निकले तो वो उसी जरिए से निकलना भी चाहिए। मगर ये अगर अपने हिसाब से स्क्रिप्टेड एक तरीके से, अगर दिमाग में, मेरे दिमाग में यही आया कि यार इसके तो स्क्रिप्टेड हुआ कि तुम्हारी मर्जी हुई तो तुमने निकाल दिया, तुम्हारी मर्जी नहीं, क्योंकि बिल्कुल ना इस वक्त अर्शी खान के निकलने से सबसे ज्यादा कोई दुखी इंसान होगा विकास ही होगा। नहीं नहीं नहीं, विकास नहीं, वो शायद कहीं ना कहीं हमारे ऑफिस के प्रकाश सर होंगे। हाँ, मुझे उनको बहुत पसंद थी, बहुत फेवरेट। आज जब मैंने उनको सुबह बताया तो उन्होंने ये भी बोला आज मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि अर्शी निकल गई है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे सेमीफाइनल वीक में विकास और हिना पहुंचे हैं, इन दोनों का नाम तो फाइनल है, अब आपको क्या लगता है कि तीसरा चौथा कंटेस्टेंट कौन होगा जो सेमीफिनाले में पहुंचेगा? अनडाउटेडली तीसरा नाम शिल्पा शिंदे होंगी, क्योंकि शिल्पा शिंदे भी बहुत अच्छा गेम खेल रही है अपने हिसाब से। और दूसरा चौथा नाम मेरे हिसाब से लव त्यागी और प्रियंक में से कोई हो सकता है। कविता, आपके लिए कौन होगा? शिल्पा शिंदे तो फाइनली जाएंगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सेकेंड मुझे लगता है कि आकाश भी जा सकते हैं, जिस तरह से वो गेम खेल रहे हैं, इंटरटेनिंग जो उनका है, देखो बहुत टैक्ट के साथ खेल रहे हैं वो, बहुत माइंड के साथ भी खेल रहे हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। सबसे यही हुआ, मतलब इससे पहले हफ्ते तो वो चीज कर रहे थे कि शायद बिल्कुल मतलब वो टॉलरेट भी नहीं कर सकते, टॉलरेट भी नहीं कर सकते, मगर इस हफ्ते उन्होंने थोड़ा मतलब वो करा और सम्मान है, इस हफ्ते शायद तारीफ भी करते, हफ्ते परेशान भी करते लोगों को। नहीं, जब घर वालों ने बोला ना कि अब तो पूरे हफ्ते, तो सलमान ने कहा कि मैं मजाक कर रहा था। तो आपको क्या लगता है कि कौन होगा सेमीफाइनल में विकास और हिना के अलावा? शिल्पा शिंदे तो जाएंगी, लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लव जा सकते हैं। सबने शिल्पा, लव,
और किसी ने भी प्रियंका नाम प्रियंका मुझे लगता है प्रियांक जा सकता है, ठीक है प्रियांक की पॉपुलैरिटी है वहीं हाँ। दूसरी तरफ लव को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है लगातार इतनी बार इलेक्शन में आकर के नॉमिनी हाँ। जैसे मनवीर गुज्जर को मिला था सपोर्ट भार हाँ। उनको बहुत सपोर्ट गुड़गांव के लव त्यागी गेम भी अच्छा खेल रहे हैं लेकिन यहाँ मैं पुनीश की बात करूँ ना तो जब से बंदगी गेम से गई ना पुनीश का मजा नहीं आ रहा वो सबके पीछे से ही खेल रहा है कभी शिल्पा और अगली बार मेरे हिसाब से तो पुनीश घर से बाहर जा सकता है वैसे इस बार भी यही था कि पुनीश है। अच्छा तो तीसरा क्वेश्चन है कि शिल्पा जो है उनकी अर्शी से बहुत ज्यादा लड़ाई थी ठीक है उसके बाद भी जब क्रिसमस हुआ क्रिसमस में जब घर वालों को गिफ्ट्स देने थे तो शिल्पा ने गिफ्ट अर्शी को दिया पुनीश और आकाश को नहीं दिया और ये कह दिया कि क्योंकि मेरे पास आपको कुछ देने को नहीं था तो एक बार फिर से शिल्पा महान बन गई तो हम बोलते हैं आपको कि शिल्पा जी बहुत बढ़िया गेम खेलती जरूर है लेकिन लेकिन वो फिर से खेल गई महानता वो आपने एक वर्ड सुना होगा जगत माता तो वो जगत माता है पूरे शो की वो दिखाती है अच्छा खेलती जरूर है लेकिन वो यहाँ पर भी खेल गई अर्शी को बाहर होने के बाद भी उन्होंने बोला हाँ मुझे है लेकिन उसने जैसे मुझसे बात करी उन्होंने फिर भी बुरा बोला विकास ने शो में बोला कि अब वो चली गई है एटलीस्ट अब तो बुरा मत बोलो लेकिन वो तब भी कहीं ना कहीं बोली रही नहीं, थी और पहली बार दिखावे के लिए वो रोई भी थी दिखाई भी हाँ, वो रोई भी थी लेकिन आंसू नहीं निकले थे तरफ आपको उसको गिफ्ट भी दे रही हो जिसकी जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करती जिसने आपको इतना गंदा गंदा बोल रहा है क्योंकि आप शिल्पा के अगेंस्ट है और उनकी शिल्पा पहली बात तो परशा ने मान लिया कि हां स्ट्रांग है शिल्पा स्ट्रांग गए और अच्छा गेम खेलती है और दूसरी बात देखिए क्रिसमस का दिन है उनको अगर एक उन्हें ऑप्शन मिला है उनके पास गिफ्ट है उनको ऑप्शन मिला है जहाँ पे दो लड़के और एक लड़की देखिए दो लड़के एक लड़की में से उन्हें एक लड़के को चुना दैट इज द बिग थिंग की बात तो हुई नहीं देखो दिन की दोस्ती तो बड़ी हाँ। नहीं नहीं देखिए एक बात बताती हूँ त्योहार जो होते हैं ना जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें क्या होता है जो हमारे दुश्मन होते हैं जिनकी से हमारी राइवरीज होती है कुछ लोग जो कुछ समझती नहीं, नहीं, नहीं। वो शो में बोलते हैं मैं ऐसे मोहिनी लगती देखिए परशा मेरी बात सुनिए जैसे कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं तो अगर किसी के हमारे कहीं नोकझोंक होते हैं तो मन करता है कि आप उन्हें गिफ्ट देके अपनी अच्छा। जो भी नोकझोंक है उन्हें सॉर्ट आउट कर दो हीना से भी कर सकते हैं नोकझोंक देकर के गिफ्ट दे दिया फिर उसके बाद में बुराई भी करने लगी नहीं की उन्होंने ये बहुत अच्छा गेम है जब से गेम शुरू हुआ है तब से शिल्पा ने हमेशा ऐसा नहीं हमेशा अर्शी को अच्छा। समझाया भी है या तो देखो तुम ऐसे बोला करो तुम्हारी ये टोन है तुम ऐसे बोला करो जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में कई क्लैशेस हुई इतनी क्लैशेस हो गई कि अर्शी ने कहा कि भाई शिल्पा नहीं बनेगी कैप्टन फिर दूसरी बात फिर शिल्पा ने भी बोला भाई अर्शी को मैं बनने नहीं दूंगी कैप्टन लेकिन देखिए मैं बात वो नहीं कर रही मैं आपको समझा रही हूँ लेकिन देखिए क्रिसमस का दिन था उन्होंने अर्शी को गिफ्ट दिया जो भी फाइटिंग थी सब भुलाकर एक अच्छी पहल की एक अच्छी उन्होंने पहल करी है ये समझदारी दिखाती है समझदारी नहीं है चलो समझदारी थी एक मिनट प्रशांत अगर मैं कह रही हूँ अगर समझदारी दिखाई देख रहे हो कि वो लोग वो इविक्ट भी हो गई है तो मेरे ख्याल से उनकी बुराई इतनी नहीं करनी चाहिए जितना उन्होंने ज्यादा टाइम बहुत रूडली बोला उनसे मतलब भले ही उनके सामने भले ही उसके सामने तो देखो ना वो सामने हाँ दिखाया सामने वो कितनी अच्छी बनती है और पीछे जब चली गई वो तो उनके पीछे उन्होंने बहुत कुछ तो ये चीज आपको नहीं दिखाई शिल्पा ने तो ये चीज आपको नहीं दिखाई मुझे सब कुछ दिखा मुझे मैं आपको एक चीज प्रशांत क्लियर करूँ की शिल्पा ने ये बोला कि वो गई मैं उसकी बुराई नहीं कर रही मैं बस चीजें बता रही हूँ वो कवर अप करा कवर अप करने विकास ने उन्हें बोला कि वो चली गई तब तो मत बोलो तब उन्होंने कवर अप लेकिन मुझे लगता है शिल्पा ऐसे ही खेलती आई है वो मुंह पे बोल देती है सोता है तेन को भी निकाला तो उन्होंने साफ बोला था हाँ थोड़ा तो देखिए आप किसी के भी साथ रहो तीन महीने बॉन्डिंग हो जाती है लेकिन एक चीज है देखिए शिल्पा फ्लिप नहीं है जैसे प्रशांत आरोप लगा रहे वो जो है वो भूपे बोलती मैंने नहीं आरोप लगाया घर में पूरा टैग मिला हुआ है बल्कि जब पूजा आई थी जब उन्होंने गाना भी गाया था तुमको फ्लिप क्वीन का ना टैग मिला हुआ है एक्चुअल में हर जब गेम एंड होना होता
ना वो अपने आप अपने हिसाब और के बारे में भी बोलना सीखो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए कि जैसे ये गेम है हर कोई पलट जाता है, तो यही जो फ्लिप हुआ है इस बार हिना ने भी किया है। वैसे तो उनका प्रियांक दुश्मन बन गया है, लेकिन जब वो सुल्तानी अखाड़े में आए और जब लव और प्रियांक के बीच वो विसल बजाना था, तो उन्होंने प्रियांक के लिए विसल बजाई ना कि लव के लिए, तो इसमें आप क्या कहेंगे? पहले आप सपोर्टर है हिना के, आप बताइए कि हिना का गेम क्या था। हिना की भले ही प्रियांक से लड़ाई चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फ्रेंड है, क्योंकि जब ये लोग सारे एक साथ बैठे थे जब सलमान वीकेंड के बारे में, तो उसने उसको जब दुश्मन का टैग गाना बजाता, तो उसने हिना खान को दुश्मन नहीं चुना, ठीक है, जबकि उसको उकसाया जा रहा था कि वो प्रियांक हिना को बोल दे, तो हिना बोलती भी ऐसे करके देखा उसने मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है, भले ही लड़ाई हो रही हो लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर ही रहे हैं। रही लव त्यागी की बात, तो लव त्यागी से उनकी बॉन्डिंग बनी हुई है, लड़ाई नहीं हुई है, और प्रियांक और वो दोनों ही उनके फ्रेंड हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है? प्रशांत वो हमेशा लव हिना को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी भी आज तक हिना कभी भी एलिमिनेशन में भी या कभी भी वो उन्हें सपोर्ट नहीं करती, मतलब हिना हमेशा लव को अलग कर देती है। आपको शायद लगता होगा, लेकिन जब कितनी बार लव को नॉमिनेशन में बचाने के लिए कितनी बार उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई, उस वीक लव त्यागी को बचाने की प्लानिंग किसकी थी? हिना खान की। हिना खान ने सब कुछ रचा था। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन आप बताइए मुझे, जब वो आया था कि एक को आप सेव कर सकते हो बिग बॉस दिया था, तब हिना ने प्रियंका नाम लिया। जब भी बात आती है कि घर से कोई निकल जाएगा, तब हमेशा हिना ने लव का नाम, मतलब लव का ही नाम लिया। मैं भी चाहूंगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा तो उसमें यही था कि उससे पहले जब वो सुल्तानी अखाड़े में जा रहे थे, उससे पहले उनके बीच मतलब लव से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे, लव प्रियांक सॉरी हिना को लव के बारे में ऐसा पता चला कि वो उसकी बिचिंग करते, तो शायद उनके मन में ये चीज था, इसीलिए उन्होंने लव को नहीं विसल करा, क्योंकि वो उनको एक बात मैं बोलना चाहती हूँ सबकी बात सुन ली, लेकिन एक बात आप ये देख, इसमें ना एक चीज हम ये देखना भूल गए कि ये सबको पता है कि फिलहाल प्रियांक की और हिना के साथ नहीं बन रही है, ठीक है, लव के साथ बन रही है। तो प्रिया पहले हिना ने लव से क्या नहीं प्रियांक को कहा आई हेट यू, जब उसके मुंह पे स्प्रे मारा था, लेकिन जब वो अखाड़े में गया तो हिना को पता है कि लव के साथ तो मेरी बन रही है, फाइन वो तो मेरे साथ है, जिसके बंदूक पे मैं जिसके कंधे पे मैं बंदूक रख के चला सकती हूँ, लेकिन प्रियांक के साथ मेरी नहीं बन रही है, तो उसने प्रियांक को सपोर्ट किया। मुझे यही चीज शिल्पा ने भी करी, जब उनको पता था कि वो उनके तो चली भी गई, और अर्शी के साथ उनका उन्होंने भी वही चीज करा जो हिना। लास्ट क्वेश्चन है आप सबसे ज्यादा उससे एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए कि जब भी कोई स्टार घर के अंदर आता है तो वो हमेशा हिना की खिंचाई करता है, करण तो हमेशा हिना के पीछे ही पड़े रहते हैं जब वो आए, इस बार मीका भी आए तो हिना को बादाम दे के गए, इसका जवाब पहले प्रशांत से। तो आप बताइए आप हिना को सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हर स्टार आके हिना की खिंचाई करता है? अच्छी बात है ना, उनको ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए दिए हैं और उनको उनका जो ब्रेन है और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ज्यादा फेमस होने लगता है तो हर कोई उनके पीछे पड़ जाता है, वो पूरे शो में तेज नहीं होगा, याददाश्त तेज होगी उनकी, वो भूल जाती है ना, आपकी तरह तो नहीं है, बात पलट देती है, नहीं तो चीजें गवा देती है, शिल्पा शिंदे की तरह बात को तो नहीं पलट देती, वो कुछ ही बोलती भी भूल जाती, यहाँ तक सलमान उन्हें याद दिलाते हैं, अरे तुमने अच्छी बात है यार, फिर वो भूल जाती है। शिल्पा के फ्लिप को इनका कोई अवार्ड नहीं था ना, तो इसलिए उसके लिए दे नहीं सकते ना, इसलिए तो उनको भी मिलता है, शिल्पा के फ्लिप होने के लिए कुछ था नहीं ना, नहीं तो उसकी दवाई हिना को सुनी होगी, जो चीज ऊपर उठती है जिसकी ज्यादा जो ज्यादा कामयाब होता है लोग उसी को टारगेट करते हैं, लेकिन वो इंसान जल्दी गिर भी सकता है, नहीं कैसे गिर जाएगा, नहीं वो बढ़ रही हो, मगर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा शिल्पा में आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन मुझे लगता है हिना भी काफी ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, चलिए ठीक है, कभी कई बार भूल भी जाती है, उन्हें बादाम की ना चलिए अब हम लोग अपना डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं, ये लोग तो बिग बॉस को लेकर पूरे दिन ही लड़ते रहते हैं, बिग बॉस से जुड़ी और खबरों के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए बिग बॉस का अड्डा।